थाना क्षेत्र में महिलाओं के गले से चेन चुराने वाले आरोपी को पांचवावली थाना की टीम ने गिरफ्तार किया है। पांचवावली थाना क्षेत्र के लाड़पुरा गली के पास एक महिला के गले से 10 ग्राम की चेन चुराकर आरोपी फरार हो गया। ये घटना 21 नवंबर की है। इसी की शिकायत फरियादी विमल ठाकुर ने थाना में दर्ज कराई थी। इसी शिकायत पर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी और इस गुनाह में इस्तेमाल की गाड़ी की जांच शुरू की। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर प्रकाश उर्फ बालिया मोंदेकर को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने चोरी गई सोने की चेन जिसकी कीमत 40,000 बताई जा रही है जब्त किया है। नमस्कार, मैं PSI जितेंद्र भार्गव, पुलिस स्टेशन पांचपौली, नागपुर शहर। दिनांक 21/11/2023 को शाम 7 बजे के दरमियान एक महिला विमल रामप्रसाद ठाकुर 70 साल यह लाड़पुरा रंदगी रोड से जा रही थी, तो एक आरोपी 35 से 40 साल का ये पीछे से उसकी चैन छीनकर भाग गया था। भागने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन में एक जबरी चोरी का गुन्हा दाखिल हो गया। गुन्हे का कोई ये अपना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग माननीय DCP साहब जोन 3, ACP साहब, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैभव जाधव सर, तथा PI गुन्हे श्री अंभोरे साहब के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम लेके आरोपी का शोध हम लोगों ने किए 3 दिन। उसके बाद आरोपी प्रकाश और बाल्या महादेव मोदेकर 38 साल, इसका हमने कठिन परिश्रम करके पुलिस स्टेशन की पवन भटकर और उनके टीम में नितिन वर्मा, इन्होंने तांत्रिक और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को ढूंढ निकाले। उसके पास से हमने महिला की चोरी, जबरदस्ती चोरी की गई चैन, उसको रिकवर किए हैं। अभी लॉकअप में है, आगे का तपास चल रहा है। अच्छा, आरोपी जो है वो उसका काम धंधा कुछ बराबर चल नहीं रहा था, वो नशे में था, उस नशे के चलते उसने चोरी कर लिया। और इस कामगिरी के पीछे पुलिस हवलदार पवन भटकर DB और उनके टीम के लोगों ने कड़ी मेहनत किया है और आरोपी को ढूंढ निकाले हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।